तो हाय गाइस, कैसे हो यार आप लोग हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज चौधरी साहब की बर्थडे है। जैसे कि मैंने पहले एक व्लॉग बनाया था तो चौधरी साहब ने हमारी दावत की थी और जो खिचड़ी वाला सीन हुआ था वो वाला। तो आज है चौधरी साहब की बर्थडे। तो यार बर्थडे बता दूँ, देखो पहले आती चौधरी साहब की बर्थडे जुलाई में, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आती है उसामा की बर्थडे अगस्त में, उससे नेक्स्ट मंथ आती है मेरी बर्थडे सितंबर में। मतलब तीनों दोस्तों की जुलाई अगस्त सितंबर, तो ऐसे तीनों की मतलब चंद दिन बाद आ जाती है बर्थडे। तो अभी आज है चौधरी साहब की है, फिर नेक्स्ट आएगी उसामा की, फिर नेक्स्ट आएगी मेरी। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो तीनों पे व्लॉग बनाऊंगा। आज भी व्लॉग बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उसामा की बारी बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी बारी भी बनाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो अभी छत पे बैठा हूँ, 6 बज रहे हैं, पूरे 6 बज रहे हैं। तो उसामा की कॉल आई, कहता यार मैं केक शेक लेकर आ रहा हूँ चौधरी की तरफ, तू थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद निकल आई। तो यार 6 बज रहे हैं, तो अभी इस टाइम भी धूप काफ़ी दबा के आया, मतलब काफ़ी अच्छी खासी गर्म धूप है। तो आगे जाके वहीं जाके पता चलेगा आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो कपड़े शपड़े बदल के निकलते हैं, शलवार कमीज पहनूंगा, अभी पैंट शर्ट में हूँ लेकिन शलवार कमीज पहनूंगा, उसके बाद निकलते हैं, मतलब सामान शामान लेते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं चौधरी के घर। नाजरीन मैं आ रहा था, ये देखिए रास्ते में ये बंदा मिल गया है। भाई कब से आया हुआ है चौधरी के घर, किसकी साइकिल चला रहा है? तो हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं चौधरी साहब के घर। तो ये देखिए हमेशा की तरह काले सूट में भाई साहब, चौधरी साहब हमेशा की तरह काले सूट में। तो इनकी सड़कें भी पक्की हो चुकी हैं यार, ये देखिए मतलब ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए भाई साहब। भाई फ़ोन में बिजी, और ये पीछे देखिए ये आ रहा है, ये भाई तू नहीं पतला हो सकता, तेरा पतला होना नामुमकिन हो चुका है भाई। यार कितना के जी है? 101। सांस ले रहे थे, सांस भाई सांस, चलो भाई सांस ले रहे हो यार। देखिए सीन बड़े मज़े के हैं, देखिए ज़रा अभी आपको दिखाएंगे हम BMW। ये भाई देखो भाई सड़क के बीच में लगाएंगे कि वो टेंशन नहीं, आगे सड़क ही बंद है भाई, अपनी सोसाइटी है भाई। और सुना फिर क्या क्या लेकर आया? केक और सेवर। वाह ब्रोस्ट, मुझे तूने बताया क्यों नहीं आया कभी सीन? केक देखी तू चौधरी का, केक स्पेशल है कोई? अच्छा ओके okay. बार्स ऑर्डर है यार इधर। यार वैसे यार सीख, अच्छा एक बात है यार, एक सोसाइटी में सुकून इसकी बड़ा है यार। यार इसकी सोसाइटी की एक बात है, ऐसे नहीं घुसने देते, मतलब हर तरह से सोसाइटी बंद है। और मेन गेट पे भाई साहब वो पूछते हैं, हाँ भाई कौन किधर, ये वो, ये चीज़ सोसाइटी भाई साहब। घुसने दिया था फिर मैं लेके ये लेकर आया भाई साइकिल पे मुझे। वैसे कम से कम कोई 5-6 साल बाद साइकिल चला रहा हूँ, तो हम क्या करें भाई, मुझे बताना जरूरी है। स्टैंड उठा भाई, अंकल स्टैंड, अंकल स्टैंड। तो यार अभी वेट हो रहा है सबका, अभी तक आए नहीं है लेकिन आ रहे हैं सारे दोस्त। तो जैसे आ जाते हैं तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब्दुल्ला मुबीन एंड वसीत फाइनली आ गए हैं। ये देखिए ज़रा, मतलब उधर से ये उधर रुक के पता कुछ सीन वगैरह ले रहे थे, कैमरे में कैप्चर कर रहे थे अपने व्लॉग के लिए। तो ये देखिए ये ज़रा टर्न मारेंगे, अब्दुल्ला साइकिल चला रहा है, मतलब सामा फेरे लगा रहा था साइकिल पे तो उधर से ही आ गए थे, तो गेट से पिकअप करने चला गया था। तो अभी फाइनली ये आ गए हैं, तो शुक्र है यार, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इनकी वजह से। चौधरी साहब आपकी एक उम्र मतलब कम हो रही है और आप खुशी मना रहे हो? मैं जवान हो रहा हूँ। जवान नहीं, मतलब आपकी उम्र कम हो रही है और आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो, मतलब आपको दुख नहीं है यार? नहीं, मतलब आप मरने की तरफ बढ़ रहे हो। हम जब यार कब कॉटन में आना है ना, नहीं पता नहीं क्या है भाई, ये तो हो नहीं सकता, इसको पता ना हो, इसको पता ना हो भाई की बर्थडे। अभी शुगर मिला लगाएंगे इसके मुँह पे, अंडे शंडे मार रहे हैं ना सामा। तो भैया जी शूटिंग जारी है तो देख सकते हो। अब ये कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं जो आपको मतलब नज़र आ जाएंगे, जल्दी नज़र आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो यार अब बाहर हो चुकी थी शाम, तो फाइनली हम अंदर आते हैं, मतलब घर के अंदर आते हैं। तो अब सामान ने जैसे कहा था कि केक वेरी स्पेशल है, तो यार वाकई थोड़ा केक स्पेशल है। तो अब केक को ज़ाया करने का मकसद नहीं रहा, आप लोगों को खुद देखिए और बताइए ज़रा कि केक ज़ाया तो नहीं करना चाहिए था ना। चौधरी सबसे पहले बता कितने साल का हो गया चौधरी? ओ वाह ये देखिए लेवल है भाई का ब्रो, मुझे लग रहा है इसकी मंगने की तस्वीर है। खाली स्लोमो लेना है, देख शक्ल मैच नहीं हो रही है।
क्या वो ब्रांच है कोई हां सोम लगी वो ये ना क्रिएटिव बंदे हैं ये हमारे चौधरी साहब और हमारे अपडेट चौधरी साहब चौधरी 2.0 2.2 चौधरी अच्छा एक बात है मोमबत्ती कोई नहीं है चौधरी को ना लगा दे ये देखें नेचुरल कौन सा ग्राफर भाई चौधरी साहब के मुंह पे कलंक लग चुकी है बोलना है ना बहुत बड़ा हादसा हो गया यार हादसा क्या हो गया सामा जी ऐसे ना दिखाओ सामा भाई ना ऐसे नहीं दिखाते ना पहले यूं कर बहुत बहुत चले था अब यहाँ केक काटने की प्लानिंग हो रही है ठीक है मैं कैंडल लाना भूल गया वो सामा ने मुझे कहा था लेकिन पता नहीं मुझे कैसे याद नहीं रहा ठीक है तो अब यहाँ हम क्या करेंगे लाइट चलानी है एक लाइट बुझानी है मतलब सारे सिनेमैटिक सीन ऐसे करके कुछ मतलब कोई ज़बरदस्त सीन्स आए कोई ज़बरदस्त कटिंग हो मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे थे ठीक है इसी में मतलब 2-4 मिनट गुजर जाते हैं और चौधरी साहब के कुछ स्पेशल मेहमान भी आने वाले थे तो अब देखना यहाँ क्या होता है हम तो इतनी देर में प्लानिंग कर रहे हैं लाइट जलानी है बुझानी है करना क्या है किस एंगल से काटना है तो इतनी देर में भैया जी बेल होती है पीछे दरवाजे पे अब भैया तो क्या कर रहा है क्यों क्या कर रहा है क्या पानी पीने जा रहा है काट चुप करके ठीक है ठीक है तो यार ये हैं चौधरी साहब के स्पेशल मेहमान अमेरिका से आए हैं ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मेहमान हैं चौधरी साहब के ठीक है देखिए ये आ गए हैं टाइम से आ गए हैं चौधरी साहब का मुंह शू बच गया सीधी सी बात है नहीं तो उसामा ने पकड़ के पूरा केक इसके मुंह पे मार देना था तो इसलिए हमने बड़ी तमीज़ से इसकी बर्थडे मनाई बाकी मतलब केक चेक आराम सुकून से बैठ के खाया सेलिब्रेट किया अगर ये ना आते तो हो सकता चौधरी साहब के कपड़े छपड़े हर चीज़ मेरे ख्याल से बालों तक केक ही गुस्सा होता तो बाकी अब देखिए बर्थडे बैठे बैठे रहे बैठे आप बैठे अब केक काटेंगे बैठे नहीं नहीं बैठे हम तो अभी नहीं नहीं शर्मा नहीं रहे हम ऐसे ही बना रहे थे अकेला बैठा हुआ ये सोफे पे अकेला बैठा हुआ था चलो भाई तो भाई सब चौधरी साहब हम केक खा रहे हैं और मुंह नीला हो चुका है देखो भाई मुंह नीला हो गया यार केक खा के तेरा नहीं तूने नहीं खाया अभी कैसा था यार तो यार बाकी लास्ट में हम लोग सेवर वगैरह हमने मंगवाया था बाकी एक रोस्ट था और बाकी 4-5 पिज़्ज़े थे ठीक है मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा था तो बस यही हम मतलब ऐसी थोड़ी बहुत सेलिब्रेट की ठीक है तो बाकी खाना खाना खा के बस के बाद चले जाएंगे एंडिंग यही थी बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो तो ये ऐसा कोई आप लोग खाना मंगवा लें खा लें इंजॉय मारें और बस वीडियो इंजॉय करें।